हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष द्वीप पैकेज के बारे में। दोस्तों अब ये भी लक्ष द्वीप काफ़ी फेमस हो गया है क्योंकि हमारे इंडिया और मालदीव के रिलेशन है वो काफ़ी थोड़े से ख़राब हो गए हैं। तो उसको ऐसे जो अल्टरनेटिव का ढूंढा जा रहा है कि इंडिया में ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन है जो मालदीव को टक्कर दे सकती है। जो उसका निष्कर्ष निकला है कि लक्ष द्वीप को प्रमोट किया जाए। हालांकि लक्ष द्वीप और मालदीव में काफ़ी डिफरेंस है, जो उसके जो लक्ष द्वीप की जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी है एज कम्पेयर टू मालदीव की। तो वहाँ पर थोड़ा सा जाना ट्रिकी काम है, थोड़ा सा पहुंचना ट्रिकी काम है, आपको परमिट लेना पड़ता है और आपकी जो फ्लाइट्स वगैरह है वो काफ़ी वो सिर्फ कोची से ही है। तो दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं लक्ष द्वीप पैकेज के बारे में, दोस्तों वो जो पैकेज है वो 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। तो दोस्तों आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको कोची आना पड़ेगा, कोची से फ्लाइट आएगी आपको लक्ष द्वीप के लिए। तो वहाँ पर लक्ष द्वीप में अगत्ती एयरपोर्ट है, तो सबसे जो बड़ा आइलैंड है अगत्ती आइलैंड जो मेन आइलैंड है लक्षद्वीप का, वहाँ पर आपको आना पड़ता है। वहाँ से हमारा पैकेज दोस्तों स्टार्ट होता है। दोस्तों आपको बता दूँ, इस पैकेज में हमारी फ्लाइट कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। तो आपको लक्षद्वीप पहुँचना है दोस्तों तो आपको खुद से आना पड़ेगा। आपको आइदर या तो आप फ्लाइट से आ सकते कोची से, या फिर कोची से आप क्रूज भी ले सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एयरपोर्ट से हमारा पैकेज स्टार्ट होगा, 5 नाइट 6 डेज का पैकेज स्टार्ट होगा। दोस्तों लक्षद्वीप बता दूँ काफ़ी छोटा सा आइलैंड है। तो वहाँ पे 36 या 35 के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पे। उन समूह को मिला के दोस्तों लक्षद्वीप कहा जाता है। तो लक्षद्वीप में जाने के लिए दोस्तों एंट्री परमिट चाहिए होता है, तो वो सारा जो परमिट वगैरह है वो सब चीज़ हम कराएंगे। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं इस पैकेज में है क्या क्या। दोस्तों हमारी जो भी टैक्सी होगी, बोट को चार्जेस हो गए, तो वो सब चीज़ इंक्लूड है इसमें। होटल इंक्लूड है, आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो इंक्लूडेड है, और जो भी परमिट की कॉस्ट होगी दोस्तों वो सब इंक्लूडेड है इसमें। इसमें जो आपको जो इंक्लूड नहीं है वो चीज़ दोस्तों, अगर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे, या फिर कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको देना होगा। म्यूजियम के चार्जेस आपको देने होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस पैकेज के अंदर नहीं आती। डे वन में आप अगत्ती एयरपोर्ट पर आएंगे, एयरपोर्ट से हम आपको ट्रांसफर करेंगे कवरत्ती आइलैंड। दोस्तों एक छोटा सा आइलैंड है, तो वहाँ पर पहुँचने में हमको 3 घंटे लगते हैं। वहाँ पर हम स्पीड बोट से जाएंगे। कवरत्ती आइलैंड पहुँचने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपका होटल चेक इन होगा। शाम को आप आराम से दोस्तों वहाँ पे बीच पे रिलैक्स कर सकते हैं। तो डे वन दोस्तों हमारा आपको ट्रांसफर आउट करने में जाएगा और होटल चेक इन कराएंगे। डे टू में दोस्तों हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, और दोस्तों डे टू हम पूरा ही पूरा कवरत्ती आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे फिश हैचरी प्लांट, वहाँ पर आप देखेंगे कैसे फिश को बड़ा किया जाता है, उनका बच्चों को बड़ा किया जाता है, उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद जाएंगे कवरत्ती म्यूजियम जाएंगे, म्यूजियम में आपको कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसका दोस्तों हमें बहुत ब्यूटीफुल बीच पे ले जाएंगे जो चारों तरफ से टर्किश लगून से घिरा हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरत बीच है दोस्तों, यहाँ पर बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी फोटोग्राफी वगैरह होगी, यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेके जाएंगे डीसेलिनेशन प्लांट। दोस्तों वहाँ पे जिस आइलैंड है लक्षद्वीप पे, तो वहाँ पे जो दोस्तों जो पीने का पानी है वो एक्चुअली दोस्तों समुद्र के खारे पानी को मीठा करके फिर उस पानी को बनाया जाता है। तो वहाँ पे उस प्लांट को भी हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों रात को हम वापस होटल आ जाएंगे। डे थ्री में दोस्तों हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे होटल से, फिर हम दोस्तों अगत्ती आइलैंड वापस आ जाएंगे। स्पीड बोट से आएंगे, 3 घंटे आपको वहाँ पर आने में लगेंगे। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपका अगत्ती आइलैंड में होटल चेक इन होगा फिर से आपका। नेक्स्ट फिर दोस्तों फिर हम निकलेंगे साइट सीइंग टूर करने के लिए। अगत्ती आइलैंड में दोस्तों हम आपको फिश हैचरी प्लांट ले जाएंगे, अगत्ती म्यूजियम लेके जाएंगे, लगून ले जाएंगे, बीचेस ले जाएंगे, जितनी भी साइट सीइंग जो आपके अगत्ती आइलैंड पर होती है दोस्तों वो सारे के सारे प्लेसेस हम आपको इस डे थ्री में कवर करेंगे। तो डे थ्री में हम जितनी भी जो साइट सीइंग है अगत्ती आइलैंड में वो हमारा कवर रहेगा। आपके साथ गाइड एक मौजूद रहेगा, टैक्सी रहेगी, तो ये सारी की सारी जगह आपको लेके जाएंगे। देखो मैम आपको ट्रांसफर करेंगे तिनाकर आइलैंड, तो वहाँ पे भी हम स्पीड बोट से हम आपको लेके जाएंगे तिनाकर आइलैंड। तिनाकर आइलैंड दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पर आप कोई जो भी वाटर स्पोर्ट्स आपको लगे वो आप यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों इस आइलैंड में हम लेके जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप फ्री आप यहाँ पे जो चाहे एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कई सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है तो उसका आप मजा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लगून वगैरह वीफ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी मजा आने वाला है दोस्तों इस आइलैंड पे। डे फाइव में हम आपको कलपट्टी आइलैंड लेके जाएंगे। इसको रॉकी आइलैंड भी कहा जाता है, ये काफ़ी फेमस आइलैंड है, काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पे भी हम आपको स्पीड बोट से लेके जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पे आसपास बीचेस है घूमने के लिए, जंगल है, फ्लोरा एंड फौना है, तो इन सबको आप अच्छे से देख सकते हैं। डे सिक्स में हमारा दोस्तों टूर खत्म होगा। हम आपको सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट करेंगे होटल से, हम आपको अगत्ती एयरपोर्ट पर जाके छोड़ देंगे। दोस्तों इस टूर में आपने देखा होगा कि हम लक्षद्वीप में ज़्यादा कुछ घूमने का डेस्टिनेशन है नहीं दोस्तों।
बस म्यूजियम से डीसेलिनेशन प्लांट है, फिशरी प्लांट है या फिर लगून है। अगर आप बीच पसंद है दोस्तों, आप यहाँ पे पानी के किनारे आप अपना टाइम व्यतीत करना चाहते हैं तो दोस्तों लक्ष्य जरूर आइए। काफी खूबसूरत बीचेस है, काफी खूबसूरत यहाँ पे जो रीफ है वो है। लेकिन दोस्तों ये कि कोरल रीफ में जो आप स्कूबा डाइविंग करना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और दोस्तों हर कोई कर नहीं सकता। स्नॉर्कलिंग वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपको गेस्ट मिल जाता है रेंट पर, वहां पे आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सोचे कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने को यहाँ पर होगा तो वो दोस्तों यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। लक्षद्वीप दोस्तों इसकी खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको बस आप बीचेस आइए, यहाँ पे बीचेस का मजा लीजिए शांति से। अगर चाहे कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, आस पास के हाइकिंग वगैरह कीजिए दोस्तों। अगर देखा जाए जो लक्षद्वीप है इसका जो पैकेज है दोस्तों, ये काफी एक्सपेंसिव भी है थोड़ा सा। अगर आप दूसरे इससे कंपेयर करें, पोर्ट ब्लेयर हो गया आपका या फिर कोई अदर डेस्टिनेशन हो गया, कश्मीर वगैरह हो गया, गोवा हो गया या फिर केरला हो गया, तो इनसे काफी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। क्योंकि लक्षद्वीप पे दोस्तों सब चीज इंपोर्ट होती है, सब चीज यहाँ पे क्रूज के थ्रू होती है आती है। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, बहुत छोटा सा आइलैंड है, तो ज्यादा टूरिस्ट को कैटर भी नहीं कर सकता है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों आपको याद रख के चलना है कि यहाँ पे आपका जो पैकेज होने वाला है काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। जो फूड वगैरह भी वहाँ पे आपका बाहर से कुछ खाने की सोचे दोस्तों, मोस्टली वहाँ पे नॉनवेज मिलता है, वेज से हम आपको हमारे पैकेज में आपको देंगे, तो इसी के ध्यान रखिए दोस्तों। दोस्तों इस पैकेज को अगर आप बुक करना चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपका पैकेज बुक कर देंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आप कुछ भी अगर क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके आप लिख सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे।